क्रिकेट को लेकर सटोरियों का खेल शुरू हो गया है तो दूसरी तरफ पुलिस भी सक्रिय हो गई है। इंदौर पुलिस की माने तो वो इस बार सटोरियों को अपना खेल नहीं खेलने देगी। क्राइम ब्रांच को इस काम में लगाया गया है जो सटोरियों पर अपनी पैनी नजर रखेगी। इधर क्रिकेट से पहले पुलिस तैयार तो उधर सटोरियों ने संभाला मैदान। हर बॉल पर सटोरियों की पैनी नजर। क्राइम ब्रांच ने की विशेष तैयारी। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के माध्यम से रहेगी कड़ी नजर। इंदौर में होने वाले एक दिवसीय मैच पर जहां खेल प्रशंसकों की नजर होगी वहीं इंदौर पुलिस भी बू के ऊपर नजर रखेगी। क्राइम ब्रांच ने क्रिकेट पर लगने वाले ऑनलाइन सट्टे को लेकर भी तैयारी कर ली है। इंदौर मुंबई के बाद ऑनलाइन क्रिकेट के सट्टे के लिए जाना जाता है। यही कारण है कि पुलिस के एक्सपर्ट इस सट्टे से निपटने के लिए विशेष तौर पर नजर गड़ाए हुए हैं। सट्टे के कारोबार के उसूल भी निराले हैं और तरीके भी। पहले क्रिकेट का सट्टा डायरियों और पर्चियों पर लिखा और उतारा जाता था, फिर फोन का इस्तेमाल शुरू हुआ, फिर इसके बाद मोबाइल की बारी आई और अब क्रिकेट का सट्टा भी दुनिया की हर चीज की तरह ऑनलाइन हो गया है। अब बुकी 3G मोबाइल के जरिए ऑनलाइन दाव लगाते हैं। सटोरी हाईटेक हुए हैं तो पुलिस भी पीछे नहीं है। हाई टेक्निक से लैस पुलिस इस बार ऑनलाइन सट्टे पर भी अपनी नजर बनाए हुए है। पुलिस ने अपनी खबरियों और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस को एक्टिवेट कर दिया है जो इन बुकियों पर हरदम अपनी पैनी नजरें गड़ाए हुए हैं। रही बात ब्लैक मार्केटिंग को लेकर, टिकट्स को लेकर, हम जो है टिकट ओपन होने के दो दिन पहले से ही जो है लगातार कम्युनिकेशन जो है बुक माई शो और MPCA से कर रहे हैं। बट ऐसा अभी तक कोई फेवरेबल रिस्पांस उनके यहाँ से नहीं मिला। जो जानकारी मिली दोनों घुमा फिरा कर बाबू टाइप जानकारी हम तक भेजी है। और इनफैक्ट अगर कहीं कोई स्पा की चीज़ आती है कि हाँ कहीं मतलब हमारी तरफ से ब्लैक मार्केटिंग रोकने के सारे प्रयास पहले से शुरू हो चुके हैं। विल ट्राई टू डू दैट ऑल्सो ताकि उसका भी कुछ फ्रूटफुल स्टेप तक हम लोग पहुँच सकें। एज फार एज द गैम्बलिंग एक्ट इज कंसर्न, हमारी टीमें ऑलरेडी फील्ड पे हैं और सब अपनी तरफ से जो है मैक्सिमम आउटपुट का प्रयास करेंगे। सटोरियों और पुलिस के बीच चोर पुलिस का खेल शुरू हो गया है। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि पुलिस सट्टे के इस नेटवर्क को हैक कर पाएगी या नहीं। इंदौर शहर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे के लिए देश भर में दूसरे पायदान पर है। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के माध्यम से बुकियों को पकड़ने की योजना बनाई है। इंदौर में इससे पहले ऑनलाइन क्रिकेट का करोड़ों का सट्टा पकड़ा जा चुका है। अब देखना होगा कि चोर सिपाही में से जीत किसकी होती है।